Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Mahila Shakti Abhiyan ki chauthe charan ka shubharam shanivar ko hua. Iske tahat police line se RJ degree college tak Mission Shakti ke antargat Mahila Suraksha rally nikali gayi. रैली में महिला पुलिस कांस्टेबल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM सहित स्कूल कॉलेज की छात्राओं, स्काउट गाइड की छात्राओं व खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज मिशन शक्ति अभियान के चतुर्थ चरण का आरंभ शनिवार सुबह मेरठ से हुआ। मेरठ में यह मिशन शक्ति रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर RG कॉलेज पर समाप्त हुई। इस रैली में शामिल महिला और छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सुरक्षा के नारे लगाए। इस रैली में मेरठ के आला अधिकारी DM दीपक मीणा, SSP रोहित सिंह साजवान, SP यातायात जितेंद्र श्रीवास्तव सहित CDO, CO व अन्य सभी मौजूद रहे। देखिए रैली में मौजूद DM दीपक मीणा ने यह कहा। नहीं देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि लगातार राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति के प्रोग्राम चलाए जाते हैं और अलग अलग फेज में चलाए जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी आज के टाइम पर राज्य सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर है, स्पेशली बालिका सुरक्षा को लेकर। और इसी क्रम में हर दुर्गा पूजा में भी बहुत ही इंटेंसिव अभियान, जैसे ही नवरात्र चालू होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में चलाए जाते हैं। और इसमें सभी विभाग, 11 से 12 विभाग हैं जिनका कन्वर्जेंस किया जाता है, चाहे वो हेल्थ विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, और हर जगह पे अवेयरनेस की रैली और जो भी राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए जो स्कीम चलाई गई है उन पर एक इंटेंसिव फोकस रहता है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पे सुबह एक प्रभात फेरी एक तरीके की रैली है, जिसमें सभी वर्गों में बच्चों के स्कूल से महिलाएं हमारी प्रतिभा की हैं और स्पेशली पुलिस की जो भी हमारी वैन्स हैं BRB की और प्लस हमारी जो बाइक्स हैं उन सभी के द्वारा ये रैली यहाँ पे आयोजित की गई है। और ये जाके रघुनाथ इंटर कॉलेज में यहाँ पे खत्म होगी और वहाँ पे 10 बजे एक प्रोग्राम है और 11 बजे आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लोक भवन में एक प्रोग्राम किया जा रहा है मिशन शक्ति को लेकर, उसका भी संजीव प्रसारण वहाँ पे किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV।